मुख्यमंत्री के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने बुधवार सचिवालय में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार के एक वर्ष के कार्यकाल को लेकर मुख्यमंत्री ने सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के द्वारा सरकार का रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने प्रस्तुत करने का कार्यक्रम शुरू किया है, जिसके अंतर्गत सरकार द्वारा आपदा के चलते जो कार्य जनता के लिए किए गए हैं उन्हें विशेष ग्राम सभाओं के माध्यम से जनता तक पहुंचाया जाएगा। वहीं उन्होंने पूर्व की भाजपा सरकार के जनमंच कार्यक्रम को फिजूल खर्ची करार देते हुए कहा कि भाजपा के जनमंच कार्यक्रम में केवल पैसों का दुरुपयोग ही होता रहा है, उसके परिणाम भाजपा को विधानसभा चुनावों में भुगतने पड़े। साथ ही उन्होंने गैस टीचर स्कीम पर सरकार का पक्ष रखते हुए कहा कि यह मैनेजमेंट केवल छात्रों के को ध्यान में रखते हुए किया गया है कि कोई भी स्कूल बगैर शिक्षक के ना रहे और यह एक वैकल्पिक व्यवस्था है, इससे स्थायी नियुक्तियों पर कोई भी असर पड़ने वाला नहीं है। सरकार योजनाबद्ध तरीके से शिक्षा विभाग में शिक्षकों की नियुक्ति करती रहेगी। वहीं उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर पर निशाना साधते हुए कहा कि जयराम सरकार का आपदा के विषय पर सहयोग करने के बजाय सरकार के काम में अनावश्यक अड़ंगा अड़ा रहे हैं, जिसका नुकसान उन्हें आगामी लोकसभा चुनावों में देखने को मिलेगा। वहीं उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष आपदा के विषय पर सहयोग करने के बजाय सरकार के काम में अनावश्यक अड़ंगा अड़ा रहे हैं, जिसका नुकसान उन्हें आगामी लोकसभा चुनावों में देखने को मिलेगा। के दौरान जो विपक्ष के लोग हैं बार बार मीडिया के जरिए बयानबाजी करके विपक्ष के नेता ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि सरकार ने एक साल में क्या किया, उन सभी चीज़ों का जवाब मीडिया के जरिए भी देंगे लेकिन लोगों के बीच भी देंगे कि आप क्या थे, आपदा के समय में आपका क्या रोल रहा, आपने विपक्ष ने क्या भूमिका निभाई, जब हिमाचल प्रदेश के लोगों पर सबसे बड़ी आपदा आई तो आप लोगों का क्या रोल था। बड़े सरल स्वभाव में कि आप बताएं, पूरा मौका आपको भी मिलता, आप भी बताएं कि आपका क्या रोल रहा जब विधानसभा में सरकार स्पेशल सेशन बुलाया गया और उसमें आपदा के समय भारत सरकार से आपदा घोषित करने के लिए या स्पेशल पैकेज लेने के लिए जो प्रस्ताव विधानसभा में रखा गया, हम उसमें जानना चाहते हैं। ये लोगों को भी बताएंगे कि उस प्रस्ताव के समय जयराम जी और भाजपा के विपक्ष के लोग वो किस स्थिति में थे, क्या उन्होंने उस प्रस्ताव का समर्थन किया, क्या हमारा हक नहीं है, भारत सरकार से हमको मदद नहीं मिलनी चाहिए, क्या 10,000 करोड़ रुपए का नुकसान नहीं हुआ है, हमने पूरे उसके वज में सारे कागजात भारत सरकार को सौंप दिए। हमारा ये अधिकार है फेडरल सिस्टम में, जब हमारे सारे टैक्सेस, आप GST की बात करें, आप इनकम टैक्स की बात करें, जब सेंट्रल पूल में जाते हैं तो हमारा अधिकार भी है, जब हम बुरे वक्त में हैं, आपदा में हैं, तो हम क्यों ना मांग करें भारत सरकार से कि हमारा हक मिलना चाहिए। 10,000 करोड़ रुपए का नुकसान है जिसमें लोगों का नुकसान हुआ है, लोगों की संपत्तियां गई, लोगों ने जाने गवाई हैं, वहीं सरकारी संपत्तियों का बहुत नुकसान हुआ है और उसकी भरपाई करना, द्वारा से लोगों को राहत देना, ये हमारी जिम्मेवारी है और उस जिम्मेवारी में भारत सरकार का रोल बड़ा तय है। फेडरल सिस्टम में हमको जो मिलना चाहिए, जो हमारा हक बनता है, हिमाचल प्रदेश के लोगों का जो हक है, उसकी लड़ाई माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसका जिक्र किया है कि हम इस लड़ाई को लोगों के बीच ले जाएंगे और वहां सच बताएंगे कि सच्चाई क्या है, क्या हमको मिला और क्या हमको मिलना चाहिए था, या उस सारी लड़ाई में जो भाजपा के विपक्ष के नेता हैं या इनकी पूरी पार्टी है, इनका क्या रोल रहा, इन्होंने क्या समर्थन किया, या जो लोग चुन के गए हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हिमाचल प्रदेश से भाजपा के या राज्यसभा में, उन्होंने किस प्रकार से इस आपदा के समय में उनका क्या रोल रहा, क्या उन्होंने देश के प्रधानमंत्री जी से, भारत सरकार से इस मुद्दे को उठाया कि आज हिमाचल प्रदेश बुरे दौर से है, हमारी मदद होनी चाहिए, क्या पार्लियामेंट का सेशन हुआ, क्या उनमें इस बात को उठाया या नहीं उठाया, उनको भी ये बताने का मौका मिलेगा, वो भी अपनी स्थिति स्पष्ट करें कि इस पूरी आपदा के समय में भाजपा के सभी नेता और पार्टी का क्या रोल रहा। हमारी सरकार का बिल्कुल स्पष्ट है इस बात में जो कार्यशैली है, आप इसको आर्थिक स्थिति की बात करें कि किस तरह की थी, जब हमारी सरकार बनी खजाना की क्या हालत थी, या हम पे बोझ कितना था, लाइबिलिटीज़ कितनी थी, ये लोगों को जानने का पूरा अधिकार है और उनको जानना चाहिए, हम इस बात को छुपाना नहीं चाहते हैं। बार बार इसका जिक्र इसलिए करते हैं कि हमारे प्रदेश के लोगों का ये अधिकार है कि हमारी प्रदेश की आर्थिक स्थिति क्या है और उस आर्थिक स्थिति को इस दशा में लाने का किसका क्या रोल रहा, उनको ये जानने का अधिकार है कि पिछले 5 वर्षों में जो सरकार रही भाजपा की हिमाचल प्रदेश में, उसमें कौन से फैसले लिए कि प्रदेश की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए, वो बताना चाहिए उस वक्त के लोगों को।
खास तौर पे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री ठाकुर जयराम जी को हर वक्त प्लेटफॉर्म मिलता है, उनको बताना चाहिए कि उनके 5 साल के कार्यकाल में कौन से बड़े फैसले हुए, डबल इंजन की सरकार में कौन सा पैसा भारत सरकार से हिमाचल प्रदेश को स्पेशल पैकेज के तौर पे मिला, या केवल आपका मॉडल जो था वो केवल कर्जे लेने वाला डबल इंजन मॉडल था, कर्जे के बोझ से दबा दिया प्रदेश के लोगों को, तो ये मॉडल था। आप इसका जवाब देना चाहते हैं, आपको देना चाहिए, आपको बताना चाहिए।